बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं पारसी चिकन। पारसी चिकन बहुत फेमस है और इंशाल्लाह आप ट्राई करें। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसमें हमने लिया है आधा किलो चिकन, सॉल्ट 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और क्रीम आपने लेनी है 3 टेबल स्पून। इसके साथ आपने लेना है हरी मिर्च 4 से 5 और धनिया आपने बारीक चॉप कर लेना है गार्निश के लिए। प्याज आपने लेना है 2 बड़े साइज़ के, बिग साइज़, उसको चॉप कर लेना है। 3 से 4 आपने टमाटर लेना है, ठीक है, इसको भी आपने चॉप कर लेना है। जितना आपने प्याज लेना उतना आपने टमाटर लेना है, उसको बारीक चॉप कर लेना है। 2 आपने लेने हैं आलू, इस तरह से आपने इसको बिल कर लेना है। चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। ऑयल आपने लेना है 1/2 कप। फ्लेम मैंने ऑन किया है, ऑयल इसमें मौजूद था, इसको मैं गरम करता हूँ। चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है, फ्लेम हमारा तेज है। ये देख सकते हैं आप, ऑयल थोड़ा सा मैंने और शामिल कर दिया इसमें, 1/2 कप समझे आपने ऑयल इसमें शामिल करना है। फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया और इसको कवर कर दिया है, ठीक है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। 3 से 4 मिनट के लिए भी मैंने इसको छोड़ा है, जब तक हम कटिंग कर लेते हैं अपनी। ये देखिए आलू आपके पास मौजूद है, इसको आपने इस तरह बारीक बारीक स्लाइसेस में काट लेना है। ये इसका मेन प्रोसेस है और मेन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो पोटैटो से होगी। ये आप देखें किस तरीके से मैं करूँगा। ये देखें, ये आपने इसको स्लाइस करके और इस तरह से जूलियन कटिंग में काटना है। ये देखें इस तरह बारीक बारीक आपने काट लेना है इसको। ये देखिए चिकन को हमने रखा था दम पर, चिकन तकरीबन हमारी हो गई है, सही है। इस तरीके से आपने इसको कर लेना है चिकन को। ये देखें चिकन को मैं सेपरेट कर रहा हूँ, चिकन ऑयल में हमने पका ली थी पहले। चिकन मैंने फ्राई करके इसको अलग कर लिया है। अब इसमें मैं डालूंगा पहले प्याज जो हमने बारीक चॉप कर ली थी। देखिए इसको थोड़ा सा गोल्डन फ्राई करते हैं। फ्लेम आपने जो तेज रखना है, ठीक है। प्याज वो सॉफ्ट हो गया, अब इसमें टमाटर ऐड कर रहा हूँ। इसमें
शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। वन टेबल स्पून नमक डालेंगे हम। वन टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। वन टेबल स्पून हल्दी। वन टेबल स्पून जीरा पाउडर। वन टेबल स्पून गरम मसाला। वन टेबल स्पून कटर धनिया। दो से चार ये ग्रीन चिली। फ्लेम आपने तेजी रखना है, ठीक है? इस तरह से चम्मच इसको चलाना है, फुल आपने इसको ग्रेवी कर लेना। हल्का सा वाटर एड करेंगे एकदम। अब इसमें चिकन में शामिल कर दूंगा जो हमने पहले फ्राई कर दिए। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क क्रीम। पाँच से सात मिनट जो है आपने मीडियम उस पे फ्लेम पे छोड़ देना है। देख सकते हैं इसका फ्लेम जो है मैंने मीडियम कर दिया है, बिल्कुल स्लो, मीडियम से भी आपने स्लो रखना है। धीमी आंच पे जो है पाँच से सात मिनट छोड़ना है और इसको जो है आपने इस तरह से कवर कर देना है। अब चलते हैं अगले प्रोसेस पे। एक और पॉट में आपने जो है ऑयल लेना है। और ये पोटैटो हमने काटे थे स्लाइस करके, उसके बाद इस तरीके से हमने इसको बारीक बारीक जो है काट लिया था। इसको अब हम जो है फ्राई करेंगे। जब तक हमारा चिकन हो रहा है, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, फिर हम इसको फ्राई करते हैं। देखें ऑयल हमारा गर्म हो गया, उसमें हम इस तरह से ये आलू डालेंगे जो हमने बारीक काट लिए थे। फ्रेंच फ्राइज की तरह आपने इसको बिल्कुल फ्राई करना। आलू आपने बिल्कुल फ्राई करना है, गोल्डन फ्राई। ये देखें चिकन हमारी हो गई है तकरीबन, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है अच्छी तरह।
इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस तरह से। अब इसका हम फ्लेम तेज कर देंगे थोड़ा सा। फ्लेम आपने तेज रखना है, जब ये ऑयल ऊपर अपना छोड़ दे तो समझे कि आपका चिकन जो है, आपकी ग्रेवी ये रेडी हो गई है। ठीक है, चिकन भी आपका डन हो गया था। तो इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए और फ्लेम तेज पे इसको पकाएंगे हम, जब तक हमारे पोटैटो भी फ्राई हो रहे हैं। पोटैटो आपका फ्राई हो गया फुल। आपने फ्राई करना है कि आलू कच्चा ना रहे आपका। इसको मैं फ्लेम को बंद कर रहा हूँ। ठीक है, चिकन भी ऑलमोस्ट डन है। देखो चिकन भी आपका डन हो गया है। इसको हम निकालते हैं किसी अच्छे से बर्तन में। ये देखें मज़ेदार चिकन आपका हो गया। अब इस पर हम ये फ्राइड आलू जो किए थे ये निकालने हैं। इसको आप किसी टिश्यू पेपर में कर सकते ताकि इसका ऑयल अच्छी तरीके से निकल जाए। ये देखें इस तरीके से आपने इसको ड्राई कर लेना और ये इसके ऊपर इस तरह से आपने डालना। थोड़ा सा आप कोरिएंडर भी डाल सकते हैं इसमें। ये आपका पारसी चिकन रेडी है। इंशाल्लाह आप ट्राई करें इसको घर में भी, बहुत अच्छी डिश है, फेमस डिश है। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हम मज़ीद अच्छी वीडियोस आपको शेयर कर सकें। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।